अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। और आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं डेलगोना कॉफ़ी, इसे कहते हैं अगर मैं करेक्ट प्रोनाउंस कर रही हूँ तो इसमें खाली तीन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है, चीनी, दूध, कॉफ़ी, और थोड़ा उसको फेंटने के लिए ज़रा सा हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। और बस इसको बहुत फेंट के बिल्कुल गाढ़ा इसका फोमी टेक्सचर हो जाएगा, फिर हम इसमें ठंडा दूध ऐड करेंगे। ये बेसिकली तो ये कोल्ड कॉफ़ी बनती है, लेकिन हम सेम मिक्सचर को हॉट कॉफ़ी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। इंग्रेडिएंट्स मैं बता देती हूँ, 2 टेबलस्पून मैंने नॉर्मल हमारी चीनी ली है, आप चाहें तो कैस्टर शुगर भी ले सकते हैं। इसके अलावा मैंने 2 टेबलस्पून ही कॉफ़ी के लेने हैं, सेम रेशो रहेगा। यहाँ मैंने ब्रू कॉफ़ी ली है, आप लोग नेस्कैफे वगैरह भी ले सकते हैं। और 2 ही चमचे हमें नॉर्मल पानी या गर्म पानी की ज़रूरत होगी। और मिल्क हम थोड़ी देर बाद इनमें डालेंगे। और फेंटने के लिए हमें इस स्पून की ज़रूरत पड़ेगी, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, आई थिंक विस्कर कहते हैं। और अगर इससे बहुत देर लगेगी तो हम ना हैंड ब्लेंडर यूज़ करेंगे। तो चलिए अब हम एक बड़ा बाउल ले लेते हैं और उसमें सारी चीज़ें डालना शुरू करते हैं। उसमें मुझे कैमरे की हेल्प की ज़रूरत होगी, तो मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं। और इस कॉफ़ी का नाम इन्होंने अभी करेक्ट करके बताया, क्या है इसका नाम? डेलगोना कॉफ़ी। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें कॉफ़ी डाल दें प्लीज़, 2 चमचे कॉफ़ी, थोड़ा गर्म भर के डालना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं सही है सर। 2 टेबल स्पून इतना काफ़ी है, 2 टेबल स्पून हमें बता रही कॉफ़ी। और 2 ही चमचे मैंने मेजर करके रखे थे चीनी के, ये हम डाल देते हैं। और इसके अलावा मामूली सा 2 ही चमचे के करीब जाएगा इसमें पानी, ताकि इसका अच्छा सा टेस्ट बने। और अब इसकी इसको फेंटा लगाना शुरू करेंगे। पहले मिक्स कर लिया था, तो इससे काम नहीं चलेगा, हमें दूसरा लेना पड़ेगा। और इसमें थोड़ी हाथों की मशक्कत ज़्यादा होगी। हाथ से काफ़ी मेहनत लग रही थी, अब हमने मशीन का इस्तेमाल किया है, इससे थोड़ा सा ड्राइविंग बेहतर हो रहा है। ओके, तो नाजुक जैसे आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए ये कितनी क्रीमी हो गई है, सी। अच्छा खासा इसको हमने हाथ से, तो बहुत टाइम लग रहा था, तो हम लोगों ने मशीन का इस्तेमाल किया है। हमारे पास ये हैंड विस्कर को हमने मशीन से कनेक्ट करके फिर उस पर हमने मशीन चलाई, तो तकरीबन 5 मिनट से चला रहे थे मशीन। ये देखिए इसका ये हो गया है। और अगर आप चीनी के बगैर इसको ब्लेंड करोगे तो वो फिर दोबारा लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। मैंने इसको चला था, ये देखें कितनी अच्छी इसकी क्रीमी इसकी फॉर्मेशन हो गई। अशान, ये कौन सी कॉफ़ी है? वेरी गुड, हमारा मिक्सचर हो गया है कॉफ़ी का रेडी। अब सबसे पहले हम एक ऐसा जार या ग्लास लेंगे जिसमें सी टू हो सके। हम हमारे पास मेसन जार था तो हमने वो यूज़ किया है। इसमें सबसे पहले हम डालेंगे बर्फ़ ऐड करेंगे। और दूध इतना कि कॉफ़ी की जगह हो सके, लाइक पौना दूध जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट इसमें 1 टेबलस्पून जाएगा कॉफी का, इतना आप लीजिए। और मिक्स नहीं करना फौरन, नहीं सही है, मिक्स नहीं करना, इतना 1 टेबलस्पून के जितना। और ये देखिए इतना क्रीमी हो गया, ये कि स्पून से निकल नहीं रहा। और हम ऐसे करेंगे, इसका तरीका ऐसे लेके हम इसको ऐसे साइड्स में लगाने का था।
चीज की डेयरिंग आ गई है. अब हम इसको मिक्स करके ट्राई करते हैं कि ये इतनी अच्छी है भी कि नहीं. हमारी कॉफ़ी है रेडी. अब हम इसको मिक्स कर लेंगे. जो हमने डेयर बनाई थी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे. देखें कि क्रीमी और स्मूथ बननी है. ये अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे. ये देखें ये बड़ी क्रीमी और स्मूथ सी कॉफ़ी रेडी हो चुकी है. तो अब मैं इसे टेस्ट करती हूँ ये एक्चुअल में बनी कैसी है. वाकई बहुत अच्छी और क्रीमी बनी है. आप लोग ज़रूर ट्राई कर सकते हैं और इजी है. बस थोड़ा ब्लेंडिंग काम ज़्यादा है. तो हम इसको अब एंजॉय करते हैं और आपसे लेते हैं इजाज़त. दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.